हर देश में राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो न सिर्फ अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि उसके हाथों में देश की कमान होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया भर में किस देश का राष्ट्रपति निवास सबसे महंगा होगा? अगर आपके दिमाग में बकिंगम पैलेस घूम रहा है तो आपका निशाना सही लगा है। जी हाँ, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में मौजूद बकिंगम पैलेस सबसे महंगा और पहले नंबर पर आता है। इसकी कीमत 2.2 अरब डॉलर आंकी जाती है। 773 कमरों वाला ये महल 703 में बनकर तैयार हुआ था। किंग जॉर्ज 3 ने इसे रानी के निवास के लिए निजी निवास के तौर पर खरीदा था, लेकिन रानी विक्टोरिया के गद्दी संभालने पर बकिंगम पैलेस ब्रिटिश शासक का निवास बन गया। अब अगर ये कहें कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश भारत भी किसी से कम नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भवन दूसरे सबसे महंगे निवास में गिना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति भवन 19,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें करीब 340 कमरे मौजूद हैं। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ 29,000 लोग रहते हैं। इसकी कीमत 3,511 करोड़ बताई जाती है। तीसरे नंबर पर चीन का राष्ट्रपति भवन आता है, जो बीजिंग में मौजूद है। इसमें चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहते हैं। करीब 34,00,000 वर्ग में फैले इस भवन की कीमत 254,000 करोड़ रुपए है। दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बताने वाला अमेरिका भी इस रेस में किसी से कम नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद अमेरिका का व्हाइट हाउस 5,110 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं और इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए है। यहाँ आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति भवन की तुलना में व्हाइट हाउस 4 गुना छोटा है। और पांचवे नंबर पर आता है रूस का क्रेमलिन पैलेस, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं। 6.7 लाख वर्ग मीटर में फैला ये भवन मॉस्को में मौजूद है और इसकी कीमत 350 मिलियन डॉलर बताई जाती है। तो ये दुनिया के सबसे महंगे राष्ट्रपति भवन है, जिसमें भारत का नंबर दूसरे स्थान पर है। आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।